इस वीडियो में सुजलोन एनर्जी लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि सुजलोन एनर्जी लिमिटेड इन दिनों अपने फॉर्म में चल रहा रॉकेट बना हुआ है। स्टॉक एक दिन में देखेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 2% 2.5% की तेजी हमेशा ही देखने को मिल जाती है। इसमें समझेंगे कि इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, तेजी क्या सस्टेनेबल लेवल पे बनी रहेगी या नहीं, या शॉर्ट टर्म के लिए तेजी बनी है, और अभी यदि कोई व्यक्ति नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। साथ में यह भी बताऊंगा कि पहले से जिसका इसमें इन्वेस्टमेंट है क्या उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेने का समय आ गया है नहीं। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। देखिए सुजलोन एनर्जी के कंपनी के बारे में, काम के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी है, यानी कि सोलर पैनल से जो बिजली पैदा की जाती है उस तरीके की ये कंपनी काम करती है। आसान भाषा में कहें तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। और आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि अब देखिए थर्मल पावर प्लांट से बिजली जिंदगी भर चलेगी नहीं, कोयला और पेट्रोल ये सब दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाई जाती है ये कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए इस तरह की जो कंपनी काम करती है उसकी तेजी हमेशा ही बनी रहेगी। और सुजलोन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली, मतलब सबसे ज्यादा वाइन टर्बाइन बनाने वाली कंपनी है, ये इस मामले में भी आगे है। अब काम की बात समझ गए, काम के विभाग पर एक बात तय है कि ये कंपनी आने वाले समय भी नंबर वन बनी रहेगी। अब चलिए अब हम लोग इस कंपनी का फंडामेंटल समझते हैं, कंपनी का फंडामेंटल कैसे है और उसके बाद क्या न्यूज आई है, न्यूज भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फंडामेंटल और मार्केट कैप देखिए, बढ़कर तकरीबन 42,500 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप चला गया। कहाँ पहले इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 20 से 25 हज़ार करोड़ के आसपास हुआ करता था, और अभी पहुंच के तकरीबन 43,000 करोड़ के आसपास चला गया। कंपनी एक लार्ज कैप श्रेणी की कंपनी बन गई है। हालांकि उसके हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे तो अभी भी बहुत कम है। हालांकि मार्केट कैप के हिसाब से शेयर प्राइस नहीं देखते हैं, शेयर प्राइस देखने का और मतलब ओवरऑल देखा जाता है कि स्टॉक का पी क्या है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन तय होता है कि वैल्यूएशन वाइज स्टॉक का प्राइस सस्ता है या महंगा है। स्टॉक का पी अभी भी महंगा है, स्टॉक के पी के हिसाब से तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह बिल्कुल कोई नहीं देगा, क्योंकि और वैसे भी व्यवहारिक लेवल पर भी यदि सोचे तो स्टॉक का प्राइस काफ़ी बढ़ गया, और बढ़ते हुए प्राइस पर भी आप बाई करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो सकता है। हाँ, जिन लोगों ने निचली स्तर पर इसको उठाया होगा उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा भी प्रॉफिट बुक करना। खैर इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यदि आर ओ ई और आर ओ सी ई की बात करें तो देखेंगे तकरीबन 20.8% के आसपास बढ़कर चला गया। आर ओ सी कमाल का आर ओ सी रिटर्न निकाल कर आपको साल भर में देगा, जिनका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है उनके लिए मैं बातें बता रहा हूँ। चलिए चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि चार्ट इस कंपनी का क्या बोलता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चल का चार्ट ओपन किया, और एक चल के चार्ट पर आप देखेंगे तो मई के बाद से इस स्टॉक में जो तेजी आई है लगातार ये स्टॉक ऊपर ही भागते जा रहा है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले जहां ये स्टॉक लगातार मतलब एक रेंज बाउंड में फंसा 10 रुपये से ऊपर नहीं निकल रहा था, अभी देखिए जब मई के बाद इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ इसके बाद से स्टॉक का रॉकेट बना हुआ है। अब सवाल है कि ऊपर कितना ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं आपको देखाऊँ पिछले 10 साल का यहाँ पर ग्राफ खोलते तो 10 साल में देखेंगे ये स्टॉक तकरीबन 2015 में इस लेवल के आसपास आया था, और 2015 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब सुजलोन एनर्जी अपने तकरीबन तकरीबन 10 साल के मान सकते हैं कि उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। मैं न्यूज में दिखाऊंगा न्यूज में क्या रिटर्न निकल कर आया है और क्या इसके बदौलत खबर सब निकल कर सामने आई है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या शानदार ब्रेकआउट आपको होते हुए दिखा है। जिन लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट होगा उनके तो ही बल्ले बल्ले होगी, मैं जिनका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है उनको कहूँगा इसमें बने रहिए, अभी निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुजलोन एनर्जी लंबी रेस का थोड़ा साबित होने वाला है। साथ में कोई नया व्यक्ति है तो अभी उसे इन्वेस्टमेंट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जा सकती। उसे इन्वेस्टमेंट कब करना है जब प्राइस थोड़ा और डाउन आएगा थोड़ा 25 रुपये के आसपास के लेवल के आसपास है, 20 रुपये के लेवल के आसपास थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे उठा सकते हैं। हालांकि ज़्यादा बेहतर होगा जब 20 से 15 रुपये के बीच में स्टॉक आके कुछ दिन तक कंसोलिडेट कर इसमें समय बिताए यहाँ पे प्राइस इस लेवल पे इस स्टॉक को उठा सकते हैं। न्यूज यदि मैं दिखाऊँ क्या न्यूज निकल कर सामने आ रहा है, हिंदुस्तान ने ये न्यूज छापा है कि सुजलोन का स्तर 7 रुपये से 31 रुपये के पार पहुंच गया है। एक साल में तकरीबन 363% की तेजी देखने को मिली है इस स्टॉक में। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो विंड एंड एनर्जी कंपनी लिखा है यहाँ पे, यानी कि विंड के सेक्टर में कंपनी काम करती है। इसको बार बार प्रदर्शित किया जा रहा है कि यदि ये विंड एंड टर्बाइन से जुड़े हुए काम नहीं करती तो शायद इतना तेजी इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलता। 52 हफ्ते छोड़िए, 52 हफ्ते के साथ साथ कमी जो है अब 15 के बाद भी सबसे उच्चतम स्तर पर अभी चलकर आई है। और ये बात आप मानकर चलिए कि 3 साल में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1,117% की तेजी देखने को मिली है, अगले आने वाले 3 साल में यही 11,000 के करीब भी जा सकते हैं। 11,000% की तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल बात यह है कि सुजलोन एनर्जी में अभी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप बने रहिए। नए लोगों के लिए क्या करना है मैंने वह भी बता दिया, किस लेवल पर इसको उठाना है। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है कन्फ्यूजन कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।